मैं हर्ष और उल्लास के साथ आदरपूर्वक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और हेल्प लाइब्रेरी के इस नोबेल मिशन को हम अभिवादन करते हैं। डॉक्टर मालपानी, उनके सहकारी सहयोगी, इस मिशन को कंट्रीब्यूट करने वाले सभी नॉन अननोन सभी लोगों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उन तक अपनी कृतज्ञता पहुंचाने के लिए अपने तालियों की ध्वनि, जोरदार ध्वनि गुंजायमान करेंगे। थैंक यू। आज का जो सब्जेक्ट है, हाउ टू यूज स्पेस, डायरेक्शन एंड टाइम टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। स्पेस, डायरेक्शन एंड टाइम, जगह, टाइम, काल और दिशा, ये तीनों बातें, लाइफ के ये तीन आस्पेक्ट, इससे हम जुड़े हुए हैं अपने जन्म के पूर्व से भी। जन्म के पूर्व में भी, जन्म लेने के पहले से हम जुड़े हुए हैं इस बातों से। माँ के गर्भ में आने से पहले जुड़ते हैं हम, उधर भी एक स्पेस होती है गर्भ में। अगर वो स्पेस बराबर नहीं मिली तो आगे की ग्रोथ बराबर नहीं होती है। उधर भी एक टाइम होता है, समझो 279 डेज है, उसका एक एक मिनट, एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है, अपनी ग्रोथ होती रहती है। तो उधर टाइम से हम जुड़े हुए रहते हैं, स्पेस से जुड़े हुए रहते हैं। और डायरेक्शन, माँ के गर्भ में हम जब रहते हैं तो उधर की डायरेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। डायरेक्शन जरा कुछ हो गई गड़बड़ तो फिर आगे की सब बातें आपको मालूम है, कितना क्या तकलीफ होती है। पैदा होते हुए भी स्पेस, डायरेक्शन एंड टाइम की ज़रूरत होती है, उस वक्त भी वहाँ भी हमारा लाइफ, हमारी लाइफ उधर जुड़ी हुई रहती है। जरा भी उधर कुछ गड़बड़ हुई तो आगे के सब लाले पड़ जाते हैं। जन्म के बाद उधर भी स्पेस, डायरेक्शन और टाइम, जिस स्पेस में हम जन्म लेते हैं, जिस जगह में जन्म लेते हैं, उधर का आजू बाजू का एनवायरनमेंट हमारे ऊपर काम करता है। ये तो मोटी मोटी बात हमें समझ में आती है, लेकिन एनर्जी लेवल पे जो काम होता है वो अपने समझ में नहीं आता है। वैसे तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम गांव खेड़े में जन्म लेते हैं तो उधर क्या दिक्कतें आती है, अकॉर्डिंग टू स्पेस, उधर के एनवायरनमेंट। शहर में जन्म लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाते हैं, कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो स्पेस के हिसाब से प्रॉब्लम तो आते हैं और वो सॉल्व भी हम लोग को मालूम है, लेकिन एनर्जी के लेवल पे जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं रहता है। एनर्जी के लेवल पे भी प्रॉब्लम होते हैं और इन सभी बातों के ऊपर हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा विचार किया है। इसके लिए एंशेंट हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ज्योतिष शास्त्र भी इस कंसेप्ट पे, कंसेप्ट के आधार पे ज्योतिष शास्त्र खड़ा है। उधर भी ज्योतिष शास्त्र में आप कहाँ जन्म लेते हो, वहाँ अकॉर्डिंग टू दैट स्पेस आपके ऊपर एनर्जी, कौन से ग्रह तारों की एनर्जी आपके ऊपर जो काम कर रही है, कैसे कर रही है, एनर्जी कैसे काम कर रही है, उस हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सब आगे का लाइफ तय हो जाता है। कोई अगर विश्वास नहीं भी करता है तो इतना भी उसको मालूम है, अगर कोई पहाड़ों के ऊपर रहता है, उधर जन्म लेता है, तो उसके डिसीज जो होते हैं उस हिसाब से ही होते हैं। उसको एनवायरनमेंट से क्या मिलने वाला है उस पहाड़ में, उस हिसाब से उसकी प्रकृति बन जाती है और प्रकृति के हिसाब से आगे उसका नसीब बन जाता है। तो ये तो हमें दिखाई देता है, लेकिन एनर्जी के तौर पे, ग्रह तारों के तौर पे हम बोलते हैं तो उधर भी ऐसी एनर्जी जो हमें दिखाई देता है, वैसे ही एक सूक्ष्म एनर्जी काम करती है। तो ये एनर्जी जो है, टाइम, स्पेस और डायरेक्शन, ये एनर्जी हमारे ऊपर जो काम करती है और इससे हमारे आगे की सब लाइफ बनती है। ये एनर्जी का हमें कुछ समझ में आ जाए तो हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ करेंगे और भी अपनी लाइफ में जो आने वाले प्रॉब्लम्स है वो दूर कर सकते हैं हम लोग।
तो उसके पहले इस सब्जेक्ट में जाने के पहले हम कुछ इसकी बुनियाद तैयार कर रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये जो हम बात करने वाले हैं इसके पहल करने के पहले एक आपको एक बता देना चाहता हूँ इसके ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। ये जब ये सभी बातें जो है हम इनवर्स की बात कर रहे हैं आगे जाके, तो ये इनवर्स कैसा है, ये यूनिवर्स कैसा है हम अगर देखेंगे तो अपना जो यूनिवर्स ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है। ये ब्रह्मांड जो है वो ऑर्डरली यूनिवर्स है। हम देखेंगे कि ये ब्रह्मांड अपना जो चल रहा है उसके पीछे एक ऑर्डर चल रही है, एक व्यवस्था बनी हुई है। ये यूनिवर्स एक ऑर्डरली यूनिवर्स है। जैसे कि यहाँ हर रोज सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में उसका अस्त होता है, एक व्यवस्था बनी हुई है। ग्रह तारे जो घूम रहे हैं अपनी अपनी गैलेक्सी के अंदर, सौर मंडल की भी अपनी रचना, अपनी तरह से वो घूम रहे हैं। कोई किसी के आड़े नहीं है, कोई किसी को ट्रैफिक जाम नहीं कर रहा है, एक व्यवस्था से घूम रहे हैं सभी तारे, ग्रह तारों जितने अनगिनत ग्रह तारे हैं, गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल के अंदर प्रत्येक सूर्य और सूर्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले ग्रह जो है प्लैनेट्स है, ये सब घूम रहे हैं, एक व्यवस्था के अनुसार ही घूम रहे हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ ऋतुओं की भी एक साइकिल बनी हुई है। जब समर आता है या जब हम वसंत ऋतु बोलते हैं, वसंत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु आएगा, ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु आएगा, उसके बाद शीत ऋतु आएगा, ये साइकिल जो है साइकिल बनी हुई रहती है, ये साइकिल चूकेगी नहीं। वसंत ऋतु के बाद डायरेक्ट शीत ऋतु नहीं होगा, वैसे ही ऋतु आते जाएंगे। तो ये साइकिल बनी हुई है सभी जगह, साइकिल हमें एक ऑर्डर दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है। हमारे लाइफ में भी एक व्यवस्था दिख रही है हमें कि हम सुबह उठेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, बाहर का काम निपटाएंगे और फिर घर में आएंगे, एक व्यवस्था बनी हुई है। हर जगह व्यवस्था बनी हुई है। तो ये व्यवस्था जो बनी हुई है इसके पीछे क्या है, कि ये व्यवस्था जो बनी है किस सिद्धांत के ऊपर बनी है, वो एक सिद्धांत हमें प्रोफेसर पार्क जेऊ ने अभी वो सिद्धांत हमें बताया है। प्रोफेसर पार्क जेऊ एक कोरिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें ये व्यवस्था के अंदर जो एक सिद्धांत है, एक नियम है, वो उन्होंने बताया ये क्या चल रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया, गुरुत्वाकर्षण की जो क्या है उसके बारे में न्यूटन ने बताया, वैसे इन्होंने प्रोफेसर पार्क जेऊ ने ये ब्रह्मांड की जो व्यवस्था चल रही है वो कैसे चल रही है इसके बारे में हमें कुछ बताया, एक थ्योरी, एक सिद्धांत दिया हमें। उस सिद्धांत का नाम है ट्राई ओरिजिन। ट्राई ओरिजिन थ्योरी एक सिद्धांत बोले है, ट्राई ओरिजिन थ्योरी वो हमारे सामने रखा है। तो थोड़ी हम ट्राई ओरिजिन थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इस ट्राई ओरिजिन थ्योरी में उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्स में एक यूनिवर्स में चार फोर्सेस काम कर रहे हैं, चार बल काम कर रहे हैं, चार फोर्सेस काम कर रहे हैं, और ये चार फोर्सेस में एक अपनी एक व्यवस्था, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर से ये काम कर रहे हैं चार फोर्सेस। वो ऑर्डर अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद में हमें ये पता चलेगा कि दुनिया की कोई भी घटना इस ऑर्डर के मुताबिक ही चलती है। और वो ऑर्डर हमारे सामने जब आएगी तब हम किसी भी घटना को हम चेक करेंगे कि इस घटना में ये ऑर्डर से ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो ये घटना ऐसे ऐसे है, इस घटना से ये तकलीफ होने वाली है। कोई भी चीज़ से हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसिडेंट को, इवेंट को, हम किसी भी सिद्धांत को इनके ट्राई ओरिजिन थ्योरी से हम चेक कर सकते हैं। तो ये चार फोर्सेस के बारे में उन्होंने बताया। ये चार फोर्सेस क्या है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, उसको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। ये चार फोर्सेस है दुनिया के, फंडामेंटल फोर्सेस है। उसमें से एक पहले फोर्स का नाम हम लोग ले रहे हैं, उन्होंने नाम दिया है, एक जो फोर्स है ये न्यूटो फोर्स करके उन्होंने बोला है, न्यूटो फोर्स। ये शून्य फोर्स है, शून्य बल है, स्टैंड स्टील, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस,
ऐसे एक शक्ति, या एम्प्टीनेस भी एक शक्ति है, एक ताकत है, उसकी अपनी एक ताकत है। तो एक न्यूटो फोर्स इस वर्ल्ड में काम कर रहा है, जीरो फोर्स इस वर्ल्ड में काम कर रहा है, उसको उन्होंने न्यूटो फोर्स बोला है। जीरो फोर्स, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं है, ये काम कर रहा है। दूसरा एक फोर्स है, उसको उन्होंने नाम दिया है हिट्रो, हिट्रो फोर्स। ये जो फोर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेपरेटिव फोर्स है, सेपरेटिव फोर्स है, चेंजिंग फोर्स है, एक्सपांसिव फोर्स है ये। यानी हमारे आजू बाजू में जो कुछ दिख रहा है, सेपरेशन वाली चीज, एक्सपांशन वाली चीज, चेंजिंग इंस्टिंक्ट, सब इसमें हम लोग सेपरेटिव, ये सब इसमें हिट्रो फोर्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हमारा जन्म भी इस हिट्रो फोर्स की वजह से हो रहा है, माँ के गर्भ से हम सेपरेट हो रहे हैं, तो कौन सा फोर्स रहेगा? ये हिट्रो फोर्स, जो हमें सेपरेट करता है, हिट्रो फोर्स। हम चलते भी हैं, जगह से उठ रहे हैं, कौन सा फोर्स चल रहा है? हिट्रो फोर्स। जब हम सेपरेट होते हैं जगह से, चलते वक्त हम पैर उठा रहे हैं, कौन सा फोर्स चल रहा है? हिट्रो फोर्स चल रहा है, तब हम पैर उठा सकते हैं। तो दुनिया में ये फोर्स चल रहा है, हिट्रो फोर्स, इसके लिए ये काम हो रहे हैं हमारे, हिट्रो फोर्स है। बाद में तीसरा फोर्स जो है, उसको बोलते हैं होमो फोर्स। इसके अपोजिट है ये चेंजिंग है, तो ये अनचेंजिंग है। इसका चेंजिंग इंस्टिंक्ट है, तो इसका अनचेंजिंग इंस्टिंक्ट है। ये अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय है। ये सेपरेटिव है, तो ये इंटीग्रेटिव है। ये भागने वाला है, दौड़ने वाला है, तो ये बैक टू पैवेलियन वाला है। ये स्पीड को बढ़ा रहा है किसी भी, तो ये स्पीड को कम करने वाला है, ऐसा ये फोर्स है, होमो फोर्स है। ये सिमिलैरिटी पैदा करता है, ये चेंज नहीं कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिट्रो फोर्स, नहीं तो हम सेम दिखते थे। तो ये चेंजिंग इंस्टिंक्ट वाला है, इसके लिए हर एक आदमी, यहाँ की हर एक चीज़ अलग अलग है, बिकॉज ऑफ दिस हिट्रो फोर्स। लेकिन ये होमो फोर्स चेंज नहीं ला रहा है, ये सिमिलैरिटी पैदा कर रहा है, ये सिमिलैरिटी पैदा कर रहा है। इसके लिए हर एक प्राणियों की जो जाति निर्माण हो रही है, हमारे जैसे दूसरे तैयार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस होमो फोर्स, हमारे जैसे हमारे बच्चे तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ दिस होमो फोर्स, सिमिलैरिटी पैदा कर रहा है। और बच्चे में भी जो सेपरेट हम लोग को दिख रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस हिट्रो फोर्स, ये दोनों फोर्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हिट्रो फोर्स भी काम कर रहा है, होमो फोर्स भी